हेलो एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। यूजीसी की का एग्ज़ाम अब लगभग 10 से 10-12 दिन है और ऐसे में अब आप रिवीजन कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन रिवीजन पूरा तब होता है जब आपके सब्जेक्ट को करंट इश्यूज से भी जोड़ा जाए। यूजीसी नेट पेपर 1 सब्जेक्ट में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये सब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं बिना करंट अफेयर्स के इश्यूज़ के इनका कोर्स कंप्लीट नहीं होता। कोविड के कारण लगातार क्लासेस तो नहीं चल पाई, लेकिन फिलहाल हमने ऑलमोस्ट जो क्लासेस थी वो पूरी की, ऑनलाइन और ऑफलाइन सब कुछ मिक्स करके, नोट्स प्रोवाइड करके। लेकिन किसी भी स्टूडेंट का कोई भी टाइम हमने या उसका जो कोर्स है वो रोका नहीं, वो पूरा किया। लेकिन फिर भी ये एक बहुत डिमांड स्टूडेंट्स की थी कि सर जो इकोनॉमिक डेटा है या जो करंट अफेयर्स ज्योग्राफी का डेटा है या जो कॉमर्स में बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा पिछले 6 महीने के हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, तो ऐसे में पिछले जो डेटाज हैं सर उन्हें आप थोड़ा मेंशन कर दीजिए, उन्हें बता दीजिए। क्योंकि अगर कोई करंट अफेयर्स की बुक लेते हैं तो कोई भी करंट अफेयर्स की जो बुक है जिसमें 6 मंथ का डेटा होता है वो कभी भी यूजीसी के लिए नहीं लिखी जाती। वो लिखी जाती है किसके लिए लिखी जाती है, वो सिविल के लिए लिखी जाती है, आईएएस पीसीएस सब के लिए लिखी जाएगी। लेकिन किसके लिए नहीं लिखी जाएगी, वो नहीं लिखी जाएगी तो वो यूजीसी के लिए। तो ऐसे में क्या करना होगा, तो ऐसे में टीसीएस एकेडमी आपके लिए पेपर 1 से संबंधित डेटा जो एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आजकल तो स्वच्छता से भी प्रश्न पूछने जाने लगे हैं, स्कीम्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सबको टीसीएस एकेडमी अलग अलग क्लासेस में आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लासेस। ये क्लासेस मेरे साथ ही होंगी और डेली होंगी, आपको डेली हम थोड़ा 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 डेटा ले देंगे, एक साथ सारा डेटा नहीं देंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगले 8-9 क्लासेस में हम आपको लगभग पूरा डेटा जो इकोनॉमिक्स के लिए, जो कॉमर्स के लिए, जो ज्योग्राफी के लिए और जो पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सब आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, मैं एक एक करके आपको टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा होगा, ताकि आप अपने सब्जेक्ट पे भी ध्यान कर सकें और करंट अफेयर्स को भी पढ़ सकें। लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला पॉइंट जो है वो इंडिया रैंकिंग 2020, मैं लिखूंगा भी इंडिया रैंकिंग 2020, इंडिया रैंकिंग 2020। अब देखिए ये इंडिया रैंकिंग 2020 है, ये है क्या? इंडिया रैंकिंग 2020 जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF का ये एक रैंकिंग है जो 2020 की रैंकिंग है। ये जारी की गई, किस लिए जारी की गई? ये 5 शीर्ष संस्थानों की, भारत में 5 शीर्ष संस्थान जो कि अलग अलग नेचर के हैं, जैसे समग्र यूनिवर्सिटीज़ की एक अलग रैंक बनाई गई, इंजीनियरिंग की अलग रैंक बनाई गई, IIM की अलग रैंक बनाई गई, यूनिवर्सिटीज़ की अलग रैंक बनाई गई। तो ये सारी अलग अलग रैंकिंग्स थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो रैंकिंग है उसमें समग्र श्रेणी के यानी सारे तरह के संस्थानों को, चाहे वो तकनीकी संस्थान था या वो मैनेजमेंट का संस्थान था या वो यूनिवर्सिटी था, इन सब को अगर लिया जाए तो 1 से लेके 5 तक की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं, पहला IIT मद्रास, यानी भारत के सारे संस्थानों की जो इंडिया रैंकिंग 2020 है, जो NIRF रिलीज कर रहा है या NIRF है, वो पहला जो यूनिवर्सिटी है वो क्या है, वो IIT मद्रास है। दूसरे नंबर पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, नंबर 3 पे भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT दिल्ली, उसके बाद नंबर 4 पे IIT बॉम्बे और नंबर 5 पे IIT खड़गपुर है। तो 5 शीर्ष संस्थान कौन कौन से हैं, पहला है IIT मद्रास, दूसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु, तीसरा है IIT दिल्ली, चौथा IIT बॉम्बे और 5वां IIT खड़गपुर, समग्र रैंकिंग में। लेकिन जब बात विश्वविद्यालय की आए, सिर्फ विश्वविद्यालयों की
ये तो समग्र रैंकिंग थी, विश्वविद्यालय, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, IIM सबको मिला करके तो टॉप 5 में ये थे। अगर केवल यूनिवर्सिटीज़ की बात आएगी तो उसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पे आएगा JNU और नंबर 3 पे आएगा BHU। तो समग्र में नंबर 1 पे कौन था? IIT मद्रास था, नंबर 2 पे भारतीय विज्ञान संस्थान, नंबर 3 पे IIT दिल्ली, नंबर 4 पे IIT बॉम्बे और नंबर 5 पे IIT खड़गपुर। लेकिन जब सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की बात आएगी तो उसमें भारतीय विज्ञान संस्थान नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पे आएगा JNU, नंबर 3 पे आएगा BHU, फिर नंबर 4 पे है अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर, अमृता विश्वविद्यापीठम कोयम्बटूर नंबर 4 पे, और नंबर 5 पे जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता। तो अमृता विद्यापीठम कोयम्बटूर ये नंबर 4 पे और जादव विश्वविद्यालय कोलकाता ये नंबर 5 पे। इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग की बात करें तकनीकी संस्थानों की, तो IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे टॉप 3 पे हैं, यानी IIT मद्रास पहले, फिर IIT दिल्ली और फिर IIT बॉम्बे। मैनेजमेंट संस्थानों में IIT अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता, यानी IIT अहमदाबाद नंबर 1 पे, IIT बेंगलुरु नंबर 2 पे और IIM अहमदाबाद नंबर 2 पे, IIM बेंगलुरु और नंबर 3 पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता, ये शीर्ष क्रम है। तो ये था इंडिया रैंकिंग 2020। अब दूसरा कचरा मुक्त शहरों की स्टार रैंकिंग। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रैंकिंग, देखिए ये कचरा मुक्त शहरों की जो स्टार रैंकिंग है ना, ये तीन तरह के स्टार में है। एक है 5 स्टार, दूसरा है 3 स्टार और तीसरा है 1 स्टार। ये तीन तरह की स्टार रैंकिंग्स हैं। इसमें पहला जो स्टार रैंकिंग है, यानी जो 5 स्टार रैंकिंग है, इनमें जो शहरों की कुल संख्या है वो है 6। ये 6 शहर हैं, यहाँ पे 3 स्टार में 65 शहर हैं और यहाँ पे 70 शहर हैं जिनको ये रेटिंग दी गई है। अब 5 स्टार रैंकिंग में जो 6 शहर हैं वो कौन कौन से हैं? जो 6 शहर हैं 5 स्टार रैंकिंग में, उसमें है पहला अंबिकापुर छत्तीसगढ़। अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में है वो नंबर 5 रेटिंग में नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे है 2 गुजरात के, एक राजकोट और दूसरा सूरत। तो नंबर 1 पे 5 स्टार रैंकिंग में कौन है? अंबिकापुर है। उसके बाद फिर नंबर 2 पे है राजकोट और सूरत गुजरात के, फिर नंबर 3 पे मैसूरू कर्नाटक का आता है, उसके बाद इंदौर MP का और फिर नवी मुंबई महाराष्ट्र। तो नंबर 1 पे जो रैंक में नंबर 1 पे है वो है अंबिकापुर, फिर राजकोट और सूरत, उसके बाद फिर मैसूरू, इंदौर और फिर उसके बाद आता है नवी मुंबई का। ये कितने? ये 5 स्टार हैं। अब अगर 3 स्टार की बात करें तो बहुत सारे शहर हैं, अगर 1 स्टार की बात करें तो बहुत सारे शहर हैं, लेकिन यूपी के 3 स्टार, यूपी को, यानी यूपी, बिहार और राजस्थान को, इनको कोई भी शहर इनका 3 स्टार रेटिंग में नहीं है, यानी यूपी, बिहार और राजस्थान का कोई भी शहर 3 स्टार रेटिंग में नहीं है। तो 5 स्टार रेटिंग में ये जो 5 शहर हैं वो इम्पोर्टेंट है, यानी अंबिकापुर पे नंबर 1 पे, राजकोट और सूरत नंबर 2 और 3 पे, उसके बाद नंबर 4 पे आता है मैसूरू, फिर इंदौर और फिर नवी मुंबई। कुल 1435 शहरों की ये रैंकिंग के लिए गणना की गई थी, मतलब 1435 शहरों में रैंकिंग बनाई गई, जिसमें 5 स्टार रैंकिंग में सिर्फ 6 शहर भारत के आते हैं। इसके अतिरिक्त फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। एक दुर्घटना हुई थी कुछ दिनों पूर्व, जिसमें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर्स की एक संयंत्र था जिसमें एक गैस का रिसाव हुआ था। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि बहुत दिनों, वर्षों तक
मिथाइल आइसोसाइनाइड से क्वेश्चन पूछे गए यानी भोपाल त्रासदी से, तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विशाखापट्टनम से कौन सा गैस का रिसाव हुआ, तो वो थी स्टायरीन गैस। ये स्टायरीन गैस एलजी पॉलीमर्स की जो संयंत्र था वहाँ से रिसाव हो जाता है, और ये स्टायरीन गैस का उपयोग आर्टिफिशियल रबर यानी कृत्रिम रबर और रेजिन बनाने के काम में आता था। ये रिसाव तब हुआ जब ज़्यादातर लोग सो रहे थे, इस रिसाव से जान नहीं जाती, लेकिन काफ़ी मात्रा में इसकी मात्रा इनहील हो जाने के कारण लोग मर भी गए। 6 से 7 मई 2020 की घटना है, कहाँ पे? विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में स्टायरीन गैस जो कि कृत्रिम रबर और रेजिन बनाने के काम में आती थी, एलजी पॉलीमर्स की जो संयंत्र था, एलजी पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड का संयंत्र था, वहाँ पर ये रिसाव हुआ 6 से 7 मई 2020। अब आते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट घटना, चक्रवाती तूफान अम्फान। देखिए अम्फान जो था ये क्या था, पहली चीज तो जान लीजिए ये सुपर साइक्लोन था, इसने प्रभावित कहाँ कहाँ किया, अगर एक लाइन में हम देखें तो इसने भारत के जिन स्टेट्स को प्रभावित किया उन्हें भी हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। आपको ये पता है कि बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा प्रभाव होता है, तो 3 स्टेट्स जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, उसके बाद ओडिशा और फिर वेस्ट बंगाल, ये 3 स्टेट ऐसे इंडिया के थे जो अम्फान से प्रभावित हुए थे, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला एरिया था वो था दीघा, जो कहाँ पे था, जो वेस्ट बंगाल में था, इसीलिए केंद्र सरकार ने उड़ीसा को और दूसरा वेस्ट बंगाल को केंद्रीय सहायता दी, जिसमें उड़ीसा को 500 करोड़ और बंगाल को 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई। सुपर साइक्लोन था अम्फान। इसके अलावा इसने आंध्र प्रदेश के सबसे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए सबसे कम या लगभग ना के बराबर किसको प्रभावित किया, तो आंध्र प्रदेश को, क्योंकि यहीं से ये टर्न होता है, फिर ओडिशा को प्रभावित करता है, उससे ज़्यादा वेस्ट बंगाल को प्रभावित करता है, और एक ऐसा देश जिसको ये प्रभावित करता है वो कौन है, वो है बांग्लादेश। तो जो देश भारत के अलावा वो बांग्लादेश, सबसे कम प्रभाव आंध्र प्रदेश में, और प्रभाव जैसे जैसे आगे की तरफ जाते हैं बढ़ता चला जाता है, यानी प्रभावित करता है किसको, वेस्ट बंगाल और ओडिशा को। सुपर साइक्लोन क्या होता है, सुपर साइक्लोन होता है अगर हवाएं 200 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चलती हों तो उसे हम सुपर साइक्लोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, एक और सर्वेक्षण। देखिए स्वच्छता से प्रश्न बहुत पूछे गए हैं ज्योग्राफी में और पेपर 1 में तो बहुत पूछे गए हैं, तो स्वच्छ सर्वेक्षण लीग, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020। देखिए जब जब स्वच्छ सर्वेक्षण लीग की आप बात आए तो उसमें काफी समय से नंबर 1 पे एक शहर आता है, इसका नाम है इंदौर, तो इंदौर भोपाल और सूरत ये शीर्ष पर है, कौन नंबर 1 पे, इंदौर भोपाल और सूरत, 4000 से ज्यादा शहरी निकायों में ये सर्वेक्षण लीक कराया गया, इसमें नंबर 1 पे कौन था, इंदौर, नंबर 2 पे भोपाल और नंबर 3 पे सूरत था। ये जो सर्वेक्षण होता है वो 3 तिमाहियों में था, यानी मई, अप्रैल, मई और जून, और फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे जिसने बाजी मारी वो इंदौर, ये विगत 3-4 वर्षों से नंबर 1 पर ही है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स पे आते हैं, वर्ल्ड यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यंग
यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग का मतलब है जिनकी एस्टैब्लिशमेंट लास्ट 50 ईयर्स में हुई हो, अंतिम 50 वर्षों में जिनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई हो वो यंग यूनिवर्सिटी होती हैं। उन यूनिवर्सिटी में ये टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग थी, यानी टाइम्स हायर यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें कुल 414 यूनिवर्सिटीज़ को, 414 यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग दी गई, जिसमें टॉप 100 में केवल 2 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की आईं, यानी टॉप 100 में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई। अगर 1, 2, 3 की बात की जाए तो नंबर 1 पे है हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हांगकांग साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे नॉन यंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, नॉन यंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे पेरिस साइंसेस एंड लेटरस इंस्टीट्यूट, पेरिस साइंसेस एंड लेटरस इंस्टीट्यूट जो पेरिस में है वो नंबर 3 पे आता है। और जो 2 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की हैं जो टॉप 100 यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हैं, उसमें आईआईटी रोपड़ 62nd प्लेस पे, यानी 62वें स्थान पर आईआईटी रोपड़ और 64वें स्थान पर आईआईटी इंदौर है। तो 62वें स्थान पर आईआईटी रोपड़ और 64वें स्थान पर आईआईटी इंदौर, ये दो ही आईआईटीज़ हैं या दो ही संस्थान भारत के हैं जो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में, जो टाइम्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में आती हैं। चलिए फटाफट से हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी इंटरनेट सूचकांक। देखिए ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर 1 में ये सब है, ICT है पेपर 1 में, इकोलॉजी इन्वायरमेंट पेपर 1 में है, हायर एजुकेशन पेपर 1 में है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, सो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें समावेशी इंटरनेट सूचकांक, जिसमें 12 मार्च 2020 को ये रिलीज किया गया, 2017 से ये इंटरनेट सूचकांक यानी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 जो 2017 से रिलीज किया जा रहा है, इसमें नंबर 1 पे है स्वीडन। देखिए ये जो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 है, ये 100 ऐसे देशों का है जो पूरे वर्ल्ड में लगभग 96% GDP और लगभग 91% पॉपुलेशन आकर करते हैं, और ऐसे देशों में नंबर 1 पे इंटरनेट रैंकिंग में आता है स्वीडन। नंबर 2 पे है न्यूजीलैंड, नंबर 3 पे USA, नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया और नंबर 5 पे डेनमार्क। तो नंबर 1 पे स्वीडन, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड, नंबर 3 पे USA, नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 5 पे डेनमार्क। इसमें भारत को जो स्थान मिला है यानी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में वो 46वां है, और ऐसे में बुरुंडी को 100वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद एक और सूचकांक आता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, ये येल सेंटर फॉर यूनिवर्सिटी लॉ एंड पॉलिसी, येल सेंटर फॉर यूनिवर्सिटी लॉ एंड पॉलिसी द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 180 देशों की 8 जून 2020 को रैंकिंग रिलीज की गई, जिसमें नंबर 1 पे है डेनमार्क, नंबर 2 पे है लग्जमबर्ग, नंबर 3 पे है स्विट्जरलैंड, नंबर 4 पे ब्रिटेन और नंबर 5 पे है फ्रांस। नंबर 1 पे डेनमार्क, नंबर 2 पे लग्जमबर्ग, नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 4 पे ब्रिटेन एंड नंबर 5 पे फ्रांस। किसमें? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। इसमें भारत को 2020 में 168वां स्थान मिला है, 2018 में भारत की रैंकिंग 177 थी, यानी भारत ने एक इजाफा किया है, अब 168वें प्लेस पे है।
फिर आता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, इसमें नंबर एक पे है स्वीडन, नंबर दो पे है स्विट्जरलैंड, नंबर तीन पे फिनलैंड और नंबर चार पे डेनमार्क। तो कौन कौन है? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, और भारत को स्थान है मिला है 74th यानी 74वां। तो भारत को 74वां स्थान मिला है किसमें? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। अब आते हैं आज के लास्ट पॉइंट पे, जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो यहां पे 20, एक चीज देखिए, जब QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आएगी तो ये एक वर्ष ज्यादा होता है, टाइम्स आएगी तो 2020 होगा लेकिन ये एक वर्ष आगे रहता है, तो 2021 है यानी 2021 में। और ये टॉप 500 यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड की लिस्टेड करता है, उनके रैंक बनाता है। तो पहले नंबर पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, पहले नंबर पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, नंबर दो पे भी USA की यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, नंबर तीन पे भी USA ही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नंबर चार पे भी USA की है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, लेकिन नंबर पाँच पे आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम। यानी अगर क्वेश्चन को दूसरी तरीके से दे दे कि टाइम हायर जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें शीर्ष पाँचों संस्थान अमेरिका के हैं, तो नहीं, शीर्ष चार संस्थान अमेरिका के हैं, पांचवें नंबर पे ऑक्सफोर्ड का नंबर आता है। पहले नंबर पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नंबर दो पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA, नंबर तीन दो पे स्टैनफोर्ड, नंबर तीन पे हार्वर्ड, नंबर चार पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट, नंबर पाँच पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भारत की जो शीर्ष संस्थान है जो 500 में शामिल हैं वो सीधे पहुँचता है 172nd यानी 172वां स्थान, जो IIT मुंबई को मिला है। फिर उसके बाद 185वां यानी 185th प्लेस मिला है IISc बेंगलुरु, फिर 193rd प्लेस मिला है IIT दिल्ली, और 275वां स्थान मिला है IIT मद्रास को। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये आज की करंट अफेयर्स थे जो पेपर वन से, ज्योग्राफी से और इकोनॉमिक्स के सेक्शन से संबंधित थे। लगातार हम सीरीज लाएंगे और अगली क्लासेस में जो पेपर वन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं जिनमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं, उन सब को हम क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार मिलते हैं, तब तक गुड बाय एंड गुड लक।